ये है पाकिस्तान की डॉक्टर शाजिया। इनकी शादी होती है एक बहुत अमीर परिवार में, सब ऐशो आराम, बंगला, गाड़ी, जिम, स्विमिंग पूल, नौकर चाकर, बहुत ही लग्जरी लाइफस्टाइल। लेकिन 4-5 महीने बाद इनको कुछ शॉकिंग पता चलता है जो इन्हें शादी तोड़ने पर मजबूर कर देता है। ऐसा भी क्या पता चल गया? बता रहा हूँ, पर पहले कुछ सीख लेते हैं। 2011 के सेंसस के हिसाब से भारत में 4 लाख से ज्यादा भिखारी हैं। वैसे ज्यादातर इंडियन स्टेट्स में भीख मांगना एक कानूनी अपराध है, लेकिन आपको भिखारी हर स्टेट में मिल जाएंगे। एक प्रोफेशनल बेगर की मंथली इनकम लाखों में हो सकती है। उनके पास बैंक अकाउंट, FD, इवन प्रॉपर्टीज भी मिलेगी। छोटू जो चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते हैं, उनकी 3 वाइफ्स है और मंथली इनकम है 4 लाख रुपए। शायद अब आप अनुमान लगा पा रहे होंगे कि शाजिया ने अपने पति को क्यों छोड़ा। मैं उनके बेसमेंट में गई तो उनके बेसमेंट में ना कपड़े थे भिखारियों वाले, वो वहाँ पे चेंज करते थे और भीख मांगने जाते थे। तो शादी में फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ अंडरग्राउंड चेक करना भी बहुत जरूरी है।